दूसरा किस प्रूफ करने के लिए? एक्स एलिमेंट जी के अंदर है तो एक्स इनवर्स जी के अंदर होगा, क्योंकि जी आपका ग्रुप है तो इनवर्स प्रॉपर्टी से। फिर हम ये जानते हैं एलिमेंट इनटू उसका इनवर्स मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी होता है। दोनों तरफ एफ यूज़ किया, मैपिंग लिया, एफ ओप एक्स एक्स इनवर्स इक्वल्स टू एफ ई, तो इसको लिख दिया एफ एक्स इंटू एफ एक्स इनवर्स। चूँकि मैपिंग है होमोमोर्फिज्म तो एफ ए को एफ ए बी को एफ ए इंटू एफ बी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू एफ ई। अच्छा, इसे एफ ई लिख कर रहने दें या इसको जी डैश भी आप लिख सकते हैं, चूँकि पहले हम प्रूव कर चुके हैं एफ एक्स इंटू एफ एक्स इनवर्स इक्वल्स टू क्या हो गया ई डैश। तो देखिए, एक एलिमेंट इंटू दूसरा एलिमेंट इज इक्वल टू आइडेंटिटी आई जी डैश की, तो पहले एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी आ रहा है, तो एक एलिमेंट दूसरे का इन्वर्स है, चूँकि 5 इंटू 1 बाई 5 करने से ही तो 1 आता है, तो ये एलिमेंट इन्वर्स है इसका। तो हम कह सकते हैं हैंस एफ एक्स इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ एफ एक्स। तो हमने लिख दिया हैंस एफ एक्स इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ एफ एक्स। इसको हम लिख सकते हैं दैट इज एफ एक्स का इनवर्स, ऐसे कौन है एफ एक्स इनवर्स, यह आपका प्रूफ हो जाता है सेकंड वाला केस।